नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वक्त मैं आपके लिए एक और नई रिसर्च, नई खोज लेके आया हूँ। एक 250 साल पुरानी, 250 से 300 साल पुरानी बावड़ी है, आप देख रहे हो ये मेरे पीछे। खैर, इसके अंदर काफ़ी पेड़ वगैरह हो गए हैं। ये जो बावड़ी है राजस्थान के अलवर ज़िले के हरसोरा क्षेत्र के अंदर पड़ती है। हरसोरा एक विलेज है जो कि काफ़ी पुराना विलेज बताया जाता है, 450 साल पुराना विलेज है। और पिछली वीडियो मैंने आपको किले की भी दिखाई थी, जहाँ का जो हरसोरा का जो किला है उसकी वीडियो दिखाई हो। किला जो गढ़ है वो उधर है, और छोटा मोटा किला जो है मैंने आपको बताया था ऊपर वो पहाड़ी पे, आप देख सकते हो। इस बावड़ी का निर्माण भी राजा भीषण द्वारा करवाया गया था, यहाँ के गाँव की पानी की आपूर्ति के लिए। यहाँ पर एक उसी टाइम का 250-300 साल पुराना जो कुआ भी है, और एक कुआ इस बावड़ी के अंदर है। हम इस बावड़ी के पहले नीचे का जगह को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको लास्ट में वो कुआ भी दिखा देंगे। अभी हम इस बावड़ी के नीचे चलते हैं। देखो देखो, काफ़ी पेड़ वगैरह उग चुके हैं। तो ये बावड़ी के अंदर वहाँ से हम आए हैं, ये सीढ़ियाँ इसके नीचे जा रही है। और इस बावड़ी की जो हाइट बताई जाती है 100 से 150 फुट की समथिंग की इसकी मतलब गहराई है इसके नीचे, आप देख सकते हो। हम इसके थोड़ा आगे का हिस्सा चलते हैं, जहाँ से इसके अंदर एक कुआ है उसको हम एक्सप्लोर कराएंगे, देखेंगे। ये इसका बीचे का बीच का हिस्सा है, ये देखो बना रखा है इन्होंने, ये आप देख सकते हो ये चीज़ें। देखो पेड़ वगैरह उगे हैं, हम नीचे तो जा नहीं सकते, नीचे से आपको वरना हम एक्सप्लोर ज़रूर कराते, नीचे हम थोड़ा जा नहीं सकते। और ये इधर का साइड का इसका व्यू है, आप देख सकते हो। और वो जीचे दिख रहा है आपको गोलाई के अंदर, वो उधर वो कुआ है। हम थोड़ा आगे से आपको इसका व्यू दिखाते हैं कुएं का। ये 150 साल पुरानी बावड़ी है जो राजा भीषण द्वारा बनाई गई है यहाँ के पानी की आपूर्ति के लिए। और ये जो गांव की अगर मैं बात करूँ, हरसोरा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, हरसोरा गाँव पहले हसनपुर था, फिर इसका नाम चेंज करके हरसोरा कर दिया। ये जो तो आपको नीचे दिख रहा है ये कुआ है, देख सकते हो। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको इतनी बावड़ी के की वीडियो बताई है, और बावड़ी लगभग लोगों को पता भी होता है, लेकिन अगर आपको नहीं बता तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बावड़ी होती क्या है, लगभग पहले बावड़ी बनाते क्यों थे। आज के दिन अगर मैं आपको बात करूँ बावड़ी जो चालू हालात में, यानी कि इसके अंदर पानी मिले, यानी कि बावड़ी का मतलब होता है कि नीचे से जो धरती से जो पानी आता है ऑटोमेटिक पाताल लोक से, जैसे आजकल हम अगर हम टेक्नोलॉजी नई नई तकनीकी से जो बोर करते हैं ना, जो मोटर से हम पानी खींचते थे, पहले क्या होता था एक ऑटोमेटिक एक गहराई का जो पानी का स्तर था काफ़ी ऊंचा था, अब तो नीचे चला गया स्तर, पहले स्तर काफ़ी ऊँचा था पानी का, और उस टाइम पानी मतलब यहाँ से ऊपर आता था नीचे से। अगर बारिश के टाइम करूँ तो बारिश का जब टाइम आता था तो शायद सीढ़ियों से ऊपर तक पानी भी चला जाता था। तो ये जो हिस्सा बना रखा ना इन्होंने बैठने का, तो कई बार हो सकता है कि भाई पानी यहाँ तक भी आ जाता होगा बारिश के टाइम, बारिश के टाइम ही आता होगा, वैसे तो नहीं आता, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट का पानी का स्तर हमेशा से लगभग नीचे ही रहा है, इतना पानी नहीं था कि भाई इसका स्तर हमेशा ही इतना ऊपर रहा होगा। लेकिन बारिश के टाइम भी, क्योंकि राजस्थान के इतनी है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छी बारिश होती है, ऐसी बात नहीं कि बारिश नहीं होती है, राजस्थान का वो हिस्सा जो बारिश नहीं होती, काफ़ी लोगों को लगता है कि बारिश नहीं होती है, तो वो उधर का हिस्सा है दूसरा, ये वाला हिस्से में काफ़ी बारिश होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको कोला, तो पानी जब डायरेक्ट ऊपर आता था उसे हम बावड़ी बोलते थे, यानी कि पानी के ऊपर। अभी के टाइम में अगर मैं बात करूँ कि आपने बावड़ी अगर देखी होगी तो चालू हालात में, तो ये पॉसिबल है। अपने अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूँ तो वहाँ एक छोटी अभी बावड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस टाइप की छोटी कुई बना के रखते हो लोग, और उसमें पानी आता है और बिल्कुल ठंडा पानी आता है। मैंने खुद ने वहाँ मैं गया था, मैंने खुद ने पानी पिया है भाई साहब, बहुत चिल्ड पानी आता है, जैसे आप अगर आप फ्रिज वगैरह में ठंडा पानी करते हैं उससे भी ठंडा पानी आता है। अगर कभी मेरा मौका मिला दोबारा उधर की साइड जाने का तो मैं आपको वीडियो उसकी ज़रूर दिखाऊँगा, और आपको ज़रूर वो वीडियो के अंदर एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। और वो मतलब बावड़ी तो नहीं है, लेकिन एक कुई टाइप की बनाते हैं, और उनका पानी स्तर काफ़ी अच्छा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नहरें चलती है, इसके कारण वहाँ का पानी का स्तर काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार की इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हो, सीढ़ियाँ वहीं यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे कोई मौका नहीं है ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पानी इतना तो ऊपर खैर आ ही जाता था। और ये इसके अंदर ये कुआ बना हुआ है, खैर इसके अंदर जाना भाई हालात से, क्योंकि काफ़ी पेड़ पौधे हो गए हैं, और जब
नीचे जंगल सा बन जाता है तो जंगली जानवरों को थोड़ा खतरा होता है, और रिक्सी है थोड़ा सा नीचे जाना, वरना आपको बिल्कुल नीचे जाके हम आपको इस बावड़ी को एक्सप्लोर कराते हैं। अभी बाहर इसके कुआं भी है, उसको हम दिखा देते हैं आपको। अभी हम बाहर चलते हैं इस बावड़ी के। तो दोस्तों अब इस वक्त हम इस जो कुआं है उसके पास आ चुके हैं, देख रहे हो ये बावड़ी के बगल में जस्ट बना हुआ है, ये इधर बावड़ी है आप देख सकते हो, और ये उधर वो वाली बावड़ी है उसी से हमने आपको दिखाई है, और ये है कुआं, ये उसी टाइम का है। इस कुएं की जो गहराई है करीबन 250 फुट बताई जाती है, और इस कुएं को हम अंदर से आपको दिखाते हैं एक बार। 250 नहीं तो मान के चलो मेरे हिसाब से 200 फुट तो करीबन होगी इसकी। खैर अब कैमरे में थोड़ा वैसा दिख रहा होगा, अगर आप पास में आकर देखते हो तो पूरी हाइट आपको दिखेगी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो कुएं का डिज़ाइन आप देख रहे हो, इस कुएं का ये भी पानी के लिए बनाया था स्पेशल। ये तो खैर अभी मंडेर बना दी ताकि कोई बच्चे वगैरह ना जाए, उस टाइम ये नहीं थी। ये देखो ये अभी की कलाकृति है, लेकिन ये दीवार यहीं तक इतनी थी, ये दीवार यहीं की थी। वो जो हिस्सा देख रहे हो वो वाला सेम इधर की साइड था, और यहाँ पे वो रहट लगती थी ना, यहाँ से वो बाल्टी से पानी खींचते थे और पानी भर के ले जाते। मैंने अगर आपको मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैंने ऐसे कुआ आपको रामगढ़ शेखावटी के अंदर दिखाया था, जो चूरू के अंदर पड़ता है, झुंझुनू साइड में पड़ता है, जो मैंने उधर की जो हवेलियों के साथ रामगढ़ शेखावटी आपको पता है हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ मैंने इसी टाइप के कुएँ आपको दिखाए थे, आप देख सकते हो। और ये बगल में मंदिर बना हुआ है, कहा जाता है कि हरसौरा के गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा शिव मंदिर है, इसी कारण इसका नाम हरसौरा भी पड़ा है। हालांकि कईयों को मानता है कि यहाँ के राजा ने उसका नाम बदल के पहले हसनपुर था फिर हरसौरा कर दिया। ऐसी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी हम चलते हैं अपनी कोई नेक्स्ट लोकेशन, अगर ऐसी कोई मिलेगी तो हम आपके लिए लाते रहेंगे नई रिसर्च नई खोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर,